सिंगर बप्पी लहरी का निधन बुधवार के दिन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पवनहंस शमशान घाट पर किया गया। बपिदा को अंतिम विदाई देने के लिए कई सेलिब्रिटी शमशान घाट पहुंचे थे। वहीं पिता बपिदा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची थी बपिदा की बेटी रीमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में नजर आई। अपने पापा को खोने के गम के बाद बेसुध हो गई थी बपिदा की बेटी रीमा। परिवार वालों ने रीमा को संभालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। बता दें कि बपिदा काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनका बीमारी के चलते अचानक निधन हो गया। बपिलहरी की बेटी रीमा पिता के जाने से बेसुध हो गई। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। परिवार को उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। सामने आई फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि रीमा की हालत आखिर कितनी ख़राब है। रीमा को शमशान घाट तक बपिदा को अंतिम विदाई देने के लिए घर वाले लेकर आए थे। घर वालों के अलावा रीमा भी उनके साथ आई थी। बपिदा को अंतिम देने उदित नारायण, ईला अरुण, अलका याग्निक सभी पहुंचे थे और सभी के चेहरे पर उदासी थी। बता दें कि बप्पी लहरी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी उनकी बेटी रीमा, क्योंकि रीमा उन्हीं के साथ मुंबई में रहती थी, और ऐसे में पिता के जाने का काफ़ी बड़ा झटका उनकी बेटी रीमा लहरी को लगा है। और बता दें कि यहाँ पर खबर ये है कि बप्पीदा के जाने के बाद रीमा उनकी बेटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसे में परिवार को चिंता सता रही है रीमा लहरी की कि आखिर रीमा लहरी का अब क्या होगा पिता के जाने के बाद। बता दें कि पिता के जाने के बाद बेसुध पड़ी रीमा लहरी ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। सिर्फ पिता की तस्वीर को हाथ में लिए लगातार रो रही है। और रीमा लहरी की हालत देखकर रीमा लहरी की माँ, उसका पति और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है और रीमा लहरी को लगातार संभालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि रीमा लहरी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसके चलते परिवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो ये है पूरी खबर बप्पी लहरी के बाद उनकी बेटी रीमा लहरी को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।